इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू डिसीजंस कैसे लेते हैं. डिसीजंस हमें कब कब लेने की ज़रूरत पड़ सकती है. जैसे फ़र्ज़ करें कि आपके पास एक वेबसाइट है, कोई रिजल्ट्स की वेबसाइट है, जिसमें आप अपने मार्क्स डालेंगे और वो आपको ये बताएगा कि आप पास हैं या फेल हैं. या कोई ऐसी वेबसाइट है जिसमें आपको ये पता चलेगा कि आपको गर्मियों के कपड़े पहनने हैं या सर्दियों के कपड़े पहनने हैं. तो वेबसाइट किस तरह डिसाइड करेगी कि गर्मी है या सर्दी है, या स्टूडेंट पास है या फेल है, इसके लिए हम डिसीजंस लेते हैं. तो अगर मुझे कहना है कि अगर स्टूडेंट के मार्क्स 50 से ज़्यादा हैं तो पास है वरना फेल. तो ये मेरा सूडो कोड है और अब इसे मुझे ट्रांसलेट करना है इनटू जावास्क्रिप्ट. तो यहाँ पे आप गौर से देखें तो यहाँ पे मुझे डिसीजन लेना है. मुझे डिसाइड करना है कि स्टूडेंट पास है या फेल है. तो इसे मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर किस तरह ट्रांसलेट करूँगी. यहाँ पे जो मेन वर्ड्स हैं वो हैं अगर और वरना. तो जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर को ट्रांसलेट करते हैं इफ़, और वरना को ट्रांसलेट करते हैं एल्स. तो इसे हम जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखते हैं. यहाँ पे मैं लिखूँगी, मेरा सूडो कोड है, अगर स्टूडेंट के मार्क्स 50 से ज़्यादा हैं तो स्टूडेंट पास है वरना स्टूडेंट फेल है. तो इसे मैं ट्रांसलेट करूँगी, अगर का मतलब है इफ़, अगर क्या, अगर स्टूडेंट के मार्क्स 50 से ज़्यादा हैं. तो अगर जो क्या वाली चीज़ है वो हम राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे. तो हम यहाँ पे लिखेंगे मार्क्स इज़ ग्रेटर देन 50. अब ये मार्क्स कोई वेरिएबल होगा तो यहाँ पे मैं पहले मार्क्स को डिफ़ाइन करूँगी. मैं लिखूँगी लेट, फ़र्ज़ करें लेट मार्क्स हैं 32. अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि 32 हो. हम फ़र्ज़ करते हैं कि स्टूडेंट के मार्क्स 32 हैं. तो अगर क्या, अगर मार्क्स 50 से ज़्यादा हैं तो क्या होगा, ये जो तो वाली चीज़ है ये आएगी कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर. तो स्टूडेंट पास है. तो यहाँ पे मैं लिखूँगी अलर्ट पास. वरना, वरना को जावास्क्रिप्ट के अंदर ट्रांसलेट करते हैं एल्स. अब वरना क्या, वरना स्टूडेंट फेल है. तो ये वाली चीज़ हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे अलर्ट फेल, और इसको सेव करते हैं. इस वेब पेज को हम गूगल क्रोम के अंदर ओपन करेंगे. तो यहाँ पे स्टूडेंट फेल आ रहे क्योंकि स्टूडेंट के मार्क्स थे 32. अगर स्टूडेंट के मार्क्स 50 से ज़्यादा होते तो पास लिखा आता. इसे हम क्रोम डेव टूल्स के अंदर भी चेक कर सकते हैं यूजिंग सोर्सेस टैब. यहाँ पे मैं कंडीशनल्स 1.js खोलूँगी और यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाऊँगी. अब जब मैं पेज को रिफ़्रेश करूँगी तो फ़िलहाल जब मैं मार्क्स पे होवर करूँगी तो लिखा आएगा मार्क्स इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि अभी ये वाली स्टेटमेंट रन नहीं हुई. अब मैं नेक्स्ट का बटन क्लिक करूँगी और अब मैं मार्क्स पे होवर करूँगी तो इसकी वैल्यू है 32, क्योंकि मैंने इसको 32 वैल्यू दे दी है. अब 32 ग्रेटर देन 50 है. अगर ये चीज़ ट्रू होगी
तो इफ के अंदर वाली स्टेटमेंट चलेगी, वरना एल्स के अंदर वाली स्टेटमेंट चलेगी. तो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे लिखा आया फेल. और इसको नेक्स्ट करेंगे तो ये फेल लिखा आएगा और अब ये पेज के एंड पे चला जाएगा. इसको हम दोबारा से चेक करते हैं. मार्क्स पे अब मैं होवर करूँगी तो आएगा 32. अब 32 इज़ ग्रेटर देन 50 इज़ फॉल्स. ये चीज़ हम यहाँ पे भी कंफर्म कर सकते हैं, 32 ग्रेटर देन 50 है, इसका आंसर है फॉल्स. तो यहाँ पे ये वाली चीज़ फॉल्स हो जाएगी और ये डायरेक्टली एल्स कंडीशन के अंदर आ जाएगा और अलर्ट प्रिंट होगी फेल. तो यहाँ पे तो मैंने मार्क्स को हार्ड कोड किया है. हार्ड कोड क्या है? हार्ड कोड का मतलब है मैंने खुद से इसे वैल्यू दी है. लेकिन अगर ये मुझे हार्ड कोड ना करनी हो, अगर मैं चाहूँ कि ये वाली वैल्यू मैं स्टूडेंट से लूँ, मतलब स्टूडेंट अपने मार्क्स एंटर करे और फिर यहाँ पे मैं वो मार्क्स लेके और फिर मैं डिसाइड करूँ कि क्या स्टूडेंट पास है या फेल है, तो उसके लिए अगर मुझे यूज़र का इनपुट लेना है तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक इनपुट एलिमेंट बनाऊँगी और इसके अंदर मैं प्लेस होल्डर लिखूँगी एंटर मार्क्स और इसकी टाइप होगी नंबर. और उसके बाद मैं एक बटन बनाऊँगी चेक रिज़ल्ट और इसके ऑन क्लिक में फंक्शन कॉल करूँगी चेक. यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हैं, आप चेक रिज़ल्ट भी नाम दे सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है. इस नेम को मैं कॉपी करूँगी और उसके बाद जावास्क्रिप्ट के अंदर अब ये वाली पूरी चीज़ मैं फाइल के अंदर डायरेक्टली नहीं बल्कि फंक्शन चेक रिज़ल्ट के अंदर लिखूँगी. तो इसको हम कट करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं. अब ये जो मार्क्स हैं, ये मार्क्स मुझे हार्ड कोड नहीं करने बल्कि ये मार्क्स मुझे इस इनपुट के अंदर से लेने हैं. तो सबसे पहले तो मुझे इस इनपुट को गेट करना होगा. उसके लिए मैं लिखूँगी डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर और सेलेक्टर के लिए मैं टैग नेम सेलेक्टर यूज़ करूँगी क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही इनपुट एलिमेंट है. तो यहाँ पे हम इनपुट लिखेंगे और उसकी मुझे वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे मैं लिखूँगी डॉट वैल्यू. फ़िलहाल इसे कमेंट कर लेते हैं और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करते हैं मार्क्स और कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ मार्क्स भी लॉग कर देते हैं. इसको हम सेव करके वेब पेज रिफ़्रेश करेंगे और यहाँ से पहले ब्रेक पॉइंट हटा देंगे. इसको हम रिफ़्रेश करते हैं. अब यहाँ पे एक इनपुट एलिमेंट है और एक बटन है. तो यहाँ पे अगर मैं मार्क्स लिखूँगी 40 और चेक रिज़ल्ट पे क्लिक करूँगी तो यहाँ पे मार्क्स की वैल्यू प्रिंट होगी. यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो ये वाला कंसोल लॉग प्रिंट कर रहा है मार्क्स की वैल्यू और ये वाला कंसोल लॉग प्रिंट कर रहा है मार्क्स की डेटा टाइप विच इज़ स्ट्रिंग. तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये टाइप ऑफ मार्क्स की वैल्यू है. तो यहाँ पे मार्क्स की टाइप है स्ट्रिंग. तो मुझे स्ट्रिंग टाइप नहीं चाहिए बल्कि मुझे नंबर टाइप चाहिए क्योंकि मार्क्स एक नंबर है, स्ट्रिंग नहीं है. तो इसलिए यहाँ पे मैं इसको कन्वर्ट करूँगी इनटू इंटीजर यूजिंग परसेंट मार्क्स. अब अगर मैं इसे सेव करके रिफ़्रेश करूँगी और यहाँ पे एंटर करूँगी कोई भी मार्क्स जैसे 52, तो अब इसकी टाइप होगी नंबर क्योंकि मैंने पार्स इंट यूज़ किया है. ये पार्स इंट बिल्कुल कंसोल डॉट लॉग की तरह है. जैसे कंसोल डॉट लॉग के अंदर हम कंसोल डॉट लॉग लिखने के बाद राउंड ब्रैकेट्स लगाते हैं और राउंड ब्रैकेट्स के अंदर वो चीज़ लिखते हैं जो हमें प्रिंट करानी होती है. बिल्कुल उसी तरह पार्स इंट के अंदर हम सबसे पहले पार्स इंट लिखते हैं और फिर राउंड ब्रैकेट्स के अंदर, ये जो राउंड ब्रैकेट्स हैं इनके अंदर वो चीज़ लिखते हैं जिसे हमें इंटीजर या नंबर में कन्वर्ट करना होता है. तो ये हमने नंबर में कन्वर्ट कर दिया है. अब मैं इसे चेक करूँगी कि क्या ये मार्क्स पास हैं या फेल हैं.
तो इसे अनकमेंट कर देते हैं। तो अगर मार्क्स 50 से ज़्यादा होंगे तो स्टूडेंट पास होगा, वरना स्टूडेंट फेल होगा। अब इस पेज को रिफ़्रेश करते हैं। अब अगर मैं लिखूँगी 64 और चेक रिज़ल्ट पे क्लिक करूँगी तो अलर्ट आएगी पास, और अगर मैं लिखूँगी 33 और फिर चेक रिज़ल्ट पे क्लिक करूँगी तो अलर्ट आएगी फेल। इसे हम सोर्सेज में स्टेप बाय स्टेप भी ट्राई करते हैं। यहाँ पे मैं चेक रिज़ल्ट पे क्लिक करूँगी तो फ़िलहाल मार्क्स अनडिफाइंड है, क्योंकि मार्क्स की वैल्यू मैंने नहीं दी। ये वाली लाइन चलेगी तो फिर मार्क्स को कोई वैल्यू मिलेगी। तो मैं अब नेक्स्ट का बटन क्लिक करूँगी। अब जब मैं मार्क्स पर होवर करूँगी तो इसकी वैल्यू है 33। अब उसके बाद मुझे चेक करना है कि मार्क्स 50 से ग्रेटर है या स्मॉल है। तो मार्क्स की वैल्यू 33 है, विच इज़ लेस देन 50, तो इसलिए ये डायरेक्टली एल्स पे जंप करेगा और अलर्ट प्रिंट होगी फेल, और फिर ये फंक्शन के एंड पे आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं मार्क्स लिखूँगी 77 चेक रिज़ल्ट, तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ये इफ़ की बॉडी के अंदर आ जाएगा, एल्स की बॉडी के अंदर नहीं जाएगा।